हेलो व्यूअर्स, मैं हूं चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर सुरेश जैन। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के हमारे डिस्कशन का टॉपिक है व्हाई ऑल चिल्ड्रन शुड गेट कोरोना वैक्सीन। बच्चों को कोरोना वैक्सीन क्यों लगाना है? जैसा कि हम सभी ने देखा है, जाना है कि कोरोना इन्फेक्शन सभी उम्र के लोगों को हो सकता है, यहाँ तक कि न्यूबॉर्न बेबी को भी हो सकता है। हम सब यह भी जानते हैं कि कोई भी उम्र का इन्फेक्टेड व्यक्ति, चाहे वो बच्चा हो या दूसरा, वह इन्फेक्शन दूसरों में फैला सकता है, जिसको रोकना बहुत ही जरूरी है और यह हम सबकी जिम्मेदारी भी है। इस कोरोना बीमारी के फैलने को रोकने के मुख्य दो तरीके हमारे पास में है। एक है कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर्स का अच्छे से पालन करना और सभी उम्र के लोगों को प्रॉपर वैक्सीनेशन करवाना। हमारे देश में 18 साल से ऊपर के लोगों को इस वैक्सीन की दो प्राइमरी डोजेज और एक बूस्टर डोज लग ही रहा है। अब 18 साल से नीचे के बच्चों को भी फेज वाइज वैक्सीनेशन लगाने का काम सरकार की अनुमति से हो रहा है और 12 से 18 साल तक के बच्चों को तो वैक्सीनेशन शुरू भी हो चुका है। 12 साल से नीचे के बच्चों के लिए भी बहुत अच्छी सेफ एंड इफेक्टिव वैक्सीन को अप्रूवल मिल चुका है और कुछ ही दिनों में इस उम्र में भी वैक्सीन लगना शुरू हो जाएगा। सभी हेल्थ ऑथोरिटीज के अनुसार बच्चों के वैक्सीनेशन लगना बहुत ही जरूरी है। ये आखिर क्यों? आइए आज के इस वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि कोरोना वैक्सीन बच्चों को लगवाना क्यों जरूरी है, इससे हमको क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। अगर हमें कोरोना से जीतना है, कोरोना पेंडेमिक को खत्म करना है, तो बच्चों को इसकी वैक्सीन लगानी ही होगी, क्योंकि बच्चे जनसंख्या का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। इनको वैक्सीन लगाए बिना अच्छी हर्ड इम्यूनिटी डेवलप करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि बच्चे भी कम्युनिटी में इन्फेक्शन स्प्रेड करते हैं। यहाँ तक कि जिन बच्चों को एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन होता है, यानी जिनके बीमारी तो है लेकिन लक्षण कुछ भी नहीं है, वो भी अपने आसपास के लोगों में इन्फेक्शन फैला सकते हैं। और कम्युनिटी में जितना ज़्यादा वायरस फैलता रहता है, उतने ही इसके नए नए वेरियंट्स सामने आते रहते हैं, जिससे इस पेंडेमिक पर काबू पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कोरोना वैक्सीन लग जाने से बच्चों को उसका सीधा सीधा फायदा तो ये मिलता है कि बच्चों में होने वाली जो कोविड बीमारी है, वह इससे होने वाले जितने भी कॉम्प्लिकेशंस है, उनको हम आसानी से रोक सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। वैसे तो अधिकतर बच्चों में कोरोना का इन्फेक्शन माइल्ड ही होता है, लेकिन कुछ बच्चों में ये सीरियस कॉम्प्लिकेशन जैसे MISC होने का खतरा भी बना रहता है। और जिन बच्चों में पहले से कोई दूसरी बीमारी है, जैसे एस्थमा, हार्ट डिजीज, किडनी डिजीज, कोई प्रकार का कैंसर आदि, या कोई शारीरिक रूप से बच्चा कमजोर है, तो उनमें यह बीमारी सीरियस रूप भी ले सकती है और जान भी गंवानी पड़ सकती है। जब बच्चों को कोरोना वैक्सीन लग जाती है तो वह आराम से अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकता है, स्कूल जा सकता है, अपनी पढ़ाई बिना किसी रुकावट के कर सकता है, अन्य बच्चों के साथ खेल कूद सकता है, घुल मिल सकता है, बाहर घूमने जा सकता है, हर तरह की आउटडोर एक्टिविटी में, स्पोर्ट्स में, सोशल गैदरिंग में हिस्सा ले सकता है, यानी अपनी लाइफ को एकदम नॉर्मल तरीके से बच्चा जी सकता है और हमें उसका कोई डर नहीं रहता है, क्योंकि वैक्सीन लग जाने के बाद उसका कोरोना इन्फेक्शन होने का खतरा बहुत ही कम हो जाता है। जब बच्चे की वैक्सीन लग जाती है, उससे इन्फेक्शन के फैलने का खतरा भी नेचुरली कम हो जाता है, तो उससे उसके परिवारजन, उसके फ्रेंड्स, उसके टीचर्स, ये लोग भी बीमारी से बच जाते हैं। जब कोई बच्चा वैक्सीन ले लेता है और उससे उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो यह दूसरे बच्चों को व उनके पेरेंट्स के लिए यह एक एग्जाम्पल सेट करता है और इससे दूसरे बच्चों को भी वैक्सीन लेने के लिए मोटिवेशन मिलता है। जब कोई भी वैक्सीन बनती है तो उसे DCGI से ह्यूमन ट्रायल के लिए परमिशन लेनी पड़ती है।
जब ट्रायल में वैक्सीन की सेफ्टी और एफिकेसी पूरी तरह से सुनिश्चित हो जाती है तभी इसे इमरजेंसी यूज के लिए अप्रूव मिलता है और वैक्सीन को व्यवहार में लाया जाता है। अभी तक जितना भी हमारे पास वैक्सीन को लेकर के एक्सपीरियंस है या जितनी भी रिसर्च रिपोर्ट्स हैं उनसे साफ पता चलता है कि ये वैक्सीन बहुत ही सेफ है, बहुत ही सुरक्षित है। शुरू के एक दो दिन में हल्का सा बुखार, थोड़ा शरीर दर्द या इंजेक्शन ली हुई जगह में थोड़ा पेन हो सकता है जो थोड़ी सी केयर लेने के बाद में ठीक हो जाते हैं। जितनी भी कोरोना वैक्सीन अभी लग रही है वो सब बहुत अच्छा प्रोटेक्शन देती है। अभी तक के एक्सपीरियंस से यह भी चीज पूरी तरह से क्लियर है कि ये वैक्सीन बीमारी को रोकने में, उसकी सीरियसनेस को रोकने में, उससे होने वाले हॉस्पिटलाइजेशन की दर को रोकने में, कॉम्प्लिकेशंस को रोकने में और बीमारी से होने वाली डेथ को रोकने में बहुत ही इफेक्टिव है, कारगर है। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि बच्चों को इस वैक्सीन के लगाने से अनेक फायदे हैं। वैक्सीन सुरक्षित भी है, इफेक्टिव भी है और कोरोना पेंडेमिक को खत्म करने का एकमात्र तरीका है। इसलिए हर पेरेंट्स को चाहिए कि जब भी उनके बच्चों को वैक्सीन रण आए बिना किसी हिचकिचाहट के उन्हें वैक्सीन लगवा लें और कोरोना पेंडेमिक को कंट्रोल करने में अपनी भूमिका निभाए। आशा करता हूँ आज का ये टॉपिक आपको काफी यूजफुल होगा, आपको अच्छा लगा होगा। आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ में शेयर करें। अगर अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, जिससे आगे में जो भी बच्चों की हेल्थ संबंधी वीडियोस बनाता हूँ नए नए टॉपिक्स के ऊपर में, उसका लाभ आप पूरी तरह से ले सकें। थैंक यू वेरी मच।